मुहतरम स्पीकर साहब मैं इससे पहले भी इस मसले को उठाया हूं और आज फिर से उठा रहा हूं और यह मसला है हमारी नौजवान नस्ल को बचाने का हमारे यंगस्टर्स को बचाने का क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का फ्यूचर है तो मैं ये बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शहर में और दूसरे छोटे छोटे जो टाउन्स है हमारी रियासत में वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है जैसा कि गांजा है उसमें और कुछ ड्रग्स के टैबलेट्स हैं और कई स्कूल की जगह पर इसको तकसीम किया जा रहा है कॉफ सिरप है वाइटनर है और जब मैंने इससे पहले इस मसले को उठाया था तो पुलिस ने कार्रवाई की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके कार्रवाई करने के बावजूद भी एक जाल बिछाकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक मंसूबा बन अंदाज में यह काम किया जा रहा है बिलखसूस स्कूल्स के पास जितने भी डब्बे हैं उन पांडब्बास को मॉनिटर करना चाहिए और उनको वहां से हटाना चाहिए और कई स्कूल हैं जहां पे जिनके करीब लिकर के शॉप्स हैं वो लिकर के शॉप्स को भी हमको वहां से हटाना चाहिए और आने वाले कल में कोई भी लिकर शॉप को वहां पर आने से रोकना चाहिए मैं फिर से आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूं सर कि गांजा बहुत फैल चुका है छोटे छोटे टैबलेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं नौजवान नस्ल कई पब्स में भी पब्स में भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहां पर भी कई लोग हैं जो नशे की आदि बनाना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को ताकि हमारी नौजवान नस्ल को खराब करके हमारे मुल्क के मुस्तबिल को खराब किया जाए तो मैं आपसे अदबन दरखास्त करूँगा कि हुकूमत इस पर तोज्जो ले और ये ड्रग जो फैल रहा है इसको रोकें और मेडिकल शॉप्स को भी मॉनिटर करें ये भी कंपलसरी है क्योंकि वहां मेडिकल शॉप से कॉफ सिरप और मॉर्फिन या दूसरे दवाएं जो फ्री चले जाते हैं उस पर वॉच नहीं रहता है उसको भी ड्रग इंस्पेक्टर्स के जरिए मॉनिटर करवाएं और इसको रोकने के लिए जो भी जरूरी करें स्पीकर सर कौर अकबरुद्दीन ओवैसी समस्या चला चला प्राख्यम कंपार्टेंट सब सर गौरव मुख्यमंत्री गार स्वयं पोइन सारी शासन सभा प्रकार हाइएस्ट लेवल में डीजीपी साहब के साथ और सारे अजलाओं के पुलिस अफसरों के साथ सीएम सर ने खुद मीटिंग लिया एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी स्पेशल बनाया उसको सीवी आनंद साहब को उसका इंचार्ज भी दिया काफ़ी काम हुआ है जैसे आपने कहा काफ़ी काम हुआ है मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे आने वाली नस्लों के लिए जो भी करना चाहिए हमारे तरफ से क्योंकि बच्चों के स्कूलों के पास अगर पांडब्बा में कुछ गिनोनी हरकत जो अभी आप बताएं गांजा हो या बाकी जो भी हो अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या वेपिंग हो जो भी हो रहा है उसको प, उस पर पाबंदी करना उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट विथ फोर्स वी विल एक्ट सर बट द इश्यू इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू अर स्टेट सर इट इज अ पैन इंडिया इट इज अ ऑल ओवर इंडिया होती सर इध सिटीज लीट इट्स अ ट्रूली अ सैड रिफ्लेक्शन एज अ फ्फ्लूएंस ग्रोस अनफॉर्चुनेटली दिस इज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑल्सो सर बट वी विल एक्ट वेरी स्टर्नली वेरी टफली एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड to ensuring that the, the society becomes a drug-free society sir we are fully committed and i fully agree with my friend